आज मैं आपको एक डिफेंस वाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस डिफेंस वाइल यानी पेन वाइल में जो है किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन, चाहे वो आर्थराइटिक हो, रोमैटिक हो, गठिया हो, बाता हो, साइटिका हो, किसी भी तरह का पेन में वो काफ़ी असरदार रहेगा, जिसको आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हो। इसको तैयार करने के लिए कुछ मेडिसिन हैं जो कि किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक रस्टेक्स नाम की मदर टिंचर, जो कि कहीं से भी आप अवेलेबल कर सकते हैं, किसी भी होम्योपैथिक दुकान से। इस रस्टेक्स में जो है शरीर की त्वचा और मांसपेशियों की झिल्ली यानी स्नायु मंडल पर इसका प्रभाव जो है तो काफ़ी तेज होती है। हाँ, वात पीड़ा, गठिया, बाता, साइटिका के लिए ये बड़ा ही रामवान औषधि है। ऑपरेशन के बाद जहाँ दर्द होता है उस जगह के लिए काफ़ी असरदार होता है। यह भारी बोझ उठाने के कारण जब कोई प्रॉब्लम राइज करता है तो वहाँ उस जगह के लिए काफ़ी असरदार होता है। गाँठों में जो सूजन आ जाती है, घुटने में जो सूजन आ जाती है, जो जाता नहीं है, वैसी सूजन के लिए यह रामवान औषधि है। दूसरी मेडिसिन जो है अर्निका मौन, ये अर्निका मौन जो है किसी भी तरह का चोट लगने के कारण अगर हुआ है, या फिर कोई वजन वाला काम हम कर रहे हैं, हमारा शरीर उस लायक नहीं है, हम बोरा उठा कर के काम कर रहे हैं, एकाएक मूंछ आ गई, चोट लगने के कारण, मूंछ लगने के कारण, किसी भी तरह का, चाहे वो नया हो या पुराना, काफ़ी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज के लिए ये महान औषधि होती है अर्निका माउंटेना। इसका भी मैं मदर टिंचर लेता हूँ। मदर टिंचर जिसको मूलार्क बोलते हैं, मूल अर्क बोलते हैं, जिसका सांकेतिक चिन्ह होता है कैपिटल लेटर में क्यू। एक और मेडिसिन है जिसका नाम है रूटा। जिसका नाम है रूटा जी जो है तो चोट लगने के कारण इसका जो पेन होता है वो घाव की तरह होता है, उसमें तपस होती है और बात रोग में काफ़ी असरदार होता है। वैसे बात रोग के लिए ये है जो कि ठंड से ग्रोथ करता है, ठंड से बढ़ता है। मैं केला खा लेता हूँ, चावल खा लेता हूँ, दही खा लेता हूँ, वैसे कंडीशन में अगर आपका बढ़ जा रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पर ही काफ़ी रामवान औषधि है। इस सूजन में भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपका बोन, हड्डी अगर फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है, जल्दी जुड़ता नहीं है, तो वैसे कंडीशन के लिए ये काफ़ी महौषधि है। इससे बढ़कर के कोई किसी तरह का कोई औषधि होम्योपैथ में है ही नहीं। हाँ, एक और मेडिसिन के बारे में मैं जानकारी दे दूं, जिसका नाम है सिम्फाइटम। ये सिम्फाइटम क्यू जो है खास करके टिश्यूज के लिए होता है, जो पतली पतली हड्डी होती है उसके लिए होता है। उसमें अगर स्नायविक पीड़ा होती है, हड्डियों में चोट लग जाती है, वैसे के लिए बहुत ही रामवान औषधि है। ये मैंने चार मेडिसिन आपके सामने रखा और ये चार मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से, किसी भी होम्योपैथिक दुकान से, किसी भी होम्योपैथिक क्लिनिक से आप ले सकते हैं। अब उसी होम्योपैथिक स्टोर पर एक आती है एक ड्राम। ये ड्राम वन ड्राम कहलाता है। वन ड्राम इज इक्वल टू होता है 5 ml, यानी 5 ml की एक शीशी ले लेते हैं और इस पर इसके बीच में एक हाफ निशान लगा देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा 2.5 ml। या नहीं तो 2.5 ml नापने के लिए आप किसी भी पैथोलॉजी से के यहाँ अगर आपका संपर्क है तो वहाँ पर इस तरह का बोतल आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी।
जिसमें कि ब्लड वगैरह टेस्ट करने के लिए वो हम लोग यूज करते हैं, इस पर भी 2.5 ml का निशान में लगा दे रहा हूँ या नहीं। तो अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में आपके बच्चे को कभी सिरप वगैरह की जरूरत पड़ी होगी तो इस तरह का कैप आता है, इस तरह का ढक्कन आता है जिस पर अंकित तो होता है 2.5 ml, 5 ml, 10 ml इस तरह का। तो इससे मैं 2.5 ml ले सकता हूँ। एक कांच का बोतल मैं ले रहा हूँ जिसमें 2.5 ml जो है, मैं एक कांच का ग्लास ले रहा हूँ जिसमें रूटा जी मैं 2.5 ml इस तरह से रख दिया। अब इसी तरह से 2.5 ml धीरे धीरे करके चारों मेडिसिन एक में मिलाएंगे। अब मैं राष्ट्रक्स को मिला रहा हूँ, ये 2.5 ml हो गए, इसको भी मैंने इसमें मिला दिया। अब मैं लेता हूँ आपका सिम्फाइटम, सिम्फाइटम को भी मैं 2.5 ml नाप करके इसी मिक्सर में मिला देता हूँ। अब मेरे पास बच गया एक और मेडिसिन जिसका नाम है अर्निका मोंटेना। अर्निका मोंटेना के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो इससे भी मैं 2.5 ml ले लिया, इसको भी मैं इस मिक्सर में मिला दे रहा हूँ। अभी एक वायल आता है जो कि किसी भी होम्योपैथिक दुकान पे आपको उसी दुकान में मिल जाएगी, उस वायल का नाम है मेंथा वायल। मेंथा वायल जो है इससे भी मैं 2.5 ml लेता हूँ। ये मेंथा जो है सो एक पौधे के पत्ते के रस से तैयार होता है जो कि ज्वाइंट पेन में काफी असरदार होता है और काफी जल्दी रिकवर करता है। अगर कहीं पर भी ज्वाइंट पेन हो तो वहां पर बहुत जल्दी ये रिकवर करता है और ये कोई भी मदर टिंचर जो है सो एक एक्स्ट्रा ढक्कन से ये लॉक होता है जो कि काफी टाइट होता है। और इस मेंथा वायल को भी मैंने 2.5 ml मिला दे रहा हूँ। ये चार मदर टिंचर और एक मेंथा वायल मैंने मिलाया। अब आप कोई भी दो तेल, या तो शुद्ध सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर उससे अच्छा रहेगा एक जैतून का तेल, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, कोई अच्छे ब्रांड का लेकर के एक अलग शीशी में रखेंगे। अब इस मिक्सचर को जो है उस तेल में या फिर जैतून के तेल में मिला देंगे। अब एक स्पून लेते हैं, इस स्पून से जो है इसको मिला देते हैं। ये हमारा वाइल बिल्कुल तैयार हो गया। अब जहाँ कहीं भी आपका वाइल जहाँ दर्द है वहाँ पर आप लगाएंगे, लगाने के 1 से 2 मिनट के बाद आपका जो है दर्द छू मंतर हो जाएगा। और ये अगर आपको बनाने में असुविधा हो रही हो, कठिनाई हो रही हो, तब वैसी कंडीशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वाइल बना करके रखता हूँ। इस वाइल में जो है ये मेडिसिन के अलावे और भी मेडिसिन मिली हुई है, जैसे बेलाडोना है, बेल स्पार है, एलोलिप्टस है, वेकम है, और भी तरह तरह की मेडिसिन मदर टिंचर से बनाया हुआ है।
जो कि किसी भी कंपनी के से जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये 200 रुपये का जो वायल है, ये 200 रुपये के वायल से भी काफ़ी बेटर आएगा, ये घर में आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ, इससे अच्छा रहेगा ये, लेकिन आप अगर घर में बनाते हैं तो वो किसी भी कंपनी का जो मार्केट में अवेलेबल है उससे अच्छा रहेगा कि आप घर में बना लें अपने से, और क्विक एक्शन इसका वो है। तो आज मैंने आपको बताया एक पेन वाइल बनाने के लिए। हाँ, इसे मंगाने के लिए जो है मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, जिसका नंबर मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे। 8051556455 नंबर एक बार फिर कंफर्म करेंगे, 8051556455। इस व्हाट्सएप पे जो है तो आप कॉल करके भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी आप मंगा सकते हैं, और मेरे पास कुरियर सेवा अवेलेबल है। ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर तक पहुंचेगी दवा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद। ओके।